गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश जैन और आपके लिए लेकर आया हूं नई ड्रैग रेस बिटवीन द होंडा सिटी। तो भाई ये आम होंडा सिटी नहीं है, कोई गलती से समझ ले। तो पहले तो भाई जो एंथुजियास्ट होगा वो पहले ही समझ जाएगा ये ब्लू टिंट क्यों है इसके होंडा के लोगों के साथ। और जिसको नहीं पता उसके लिए EHEV मतलब ये हाइब्रिड वाली होंडा सिटी है जो नॉर्मल होंडा सिटी से बहुत ज़्यादा महंगी है। नॉर्मल होंडा सिटी का टॉप मॉडल 16-16.5 लाख का आता है और मैनुअल वाली की बात करूँ मैं, ZX वाला थोड़ा और महंगा होगा। और ये हाइब्रिड वाली जो है ये ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 23-24 लाख रुपये की आती है। भाई जो हमारी सेल्टॉस है भाई आप सब जानते हो मॉन्स्टर जीटी के नाम से फेमस है, कोड 6 से ट्यून्ड है, 1.4 TGDI मोटर आता है, उसके बाद ही प्रोड्यूस कर रहा है अपना 170-168 BHP एंड 290 NM ऑफ टॉक। अच्छा है, पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी ठीक है। होंडा सिटी में 1.5 NA इंजन आता है, बाकी हमें भैया बताएंगे पावर फिगर्स वगैरह क्या है। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। आपका गुड नेम? अर्चित। हाँ जी। तो भैया जी 1.5 NA इंजन आता है नॉर्मल होंडा सिटी में, इसमें क्या एडिशनल है? इसमें 1.5 NA इंजन है ठीक, लेकिन उसके बाद इसमें हाइब्रिड की बैटरी रखी है। अच्छा, वो 0.7 किलोवाट आवर्स के आसपास की। ठीक। जो कंबाइंड पावर बनाती है वो बनाती है 126 हॉर्स पावर, 253 न्यूटन मीटर। अच्छा हाँ जी। तो 0-28 कभी आपने करा है? करा तो नहीं है, लेकिन कंपनी अंडर 10 सेकंड्स कहती है। पर जब वो तब है जब आपकी बैटरी फुली चार्ज हो। नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई नहीं है, सेकंड्स कर लेगी। अच्छा कर लेगी। हाँ। CVT ट्रांसमिशन आता है? ई सी वी टी। अभी तक जैसे आपको कितना टाइम हो गया लिए हुए? मेरे को 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स हो गए, सेटिस्फाइड? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड। हाँ जी। तो भाई क्या लग रहा है? सेल्टॉस जीतेगी। पावर टू वेट रेशियो भाई थोड़ा सा खेल जाएंगे हम। तो राउंड वन स्टार्ट करते हैं, बाकी भाइयों से भी पूछते हैं। भाई जी कौन सी लग रही है? सेल्टॉस बेबी। सेल्टॉस आपको भाई? मेरी होंडा सिटी। होंडा सिटी, आई लव दैट कार, होंडा सिटी। चलो डन है, होंडा सिटी फैन। मेरा दिमाग से डिसीजन नहीं है। टेल करेंगे पीछे से हम कवर करेंगे। बिल्कुल डन है। विक्रम भाई क्या लग रहा है? सेल्टॉस हाइब्रिड है, सेल्टॉस फिर भी सेल्टॉस आपने तो चलाई नहीं। अच्छा आपको पता है। तो गाइस राउंड वन स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहेगा। तो गाइस राउंड वन के लिए हम आ गए हैं सेल्टॉस में। AC हमारा ऑन था भाई, गर्मी बहुत तेज है, आप टेम्परेचर देखो 40 डिग्री सेल्सियस। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे। ट्रैक्शन कंट्रोल हम ऑफ कर रहे हैं फर्स्ट राउंड के लिए, और ESC भी DCT को रखेंगे मैनुअल पे, AC ऑफ कर लेते हैं। ड्राइविंग मोड आता है उसमें? बस इकोन ऑफ करने का, बस और कुछ नहीं ना। गियर बॉक्स स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में नहीं है। अच्छा, तो ट्रैक्शन ऑफ ठीक है और AC ऑफ ठीक है। तो पहले अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे दोनों गाड़ियां ठीक है। ऐसा करते हैं मैं 3 ऑन मारता हूं। हाँ ठीक है, फेयर रहेगा। आप 3-2-1 कराओ ना। हाँ? बल्कि और मजा आएगा। पीछे से ऑन मार रहा हूं ना। ठीक। अब आशीष भाई 3 ऑन पे निकलना है। ठीक से ऑन आएगा। ठीक। अब करते हैं क्रिकेट ड्राइव स्टार्ट। चलो भाई आज एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। अपना हमने मैनुअल कर लिया है, AC ऑफ कर लिया है, बेल्ट पहन लेता हूं मैं। तो मैंने बेल्ट भी पहन लिया है, मैक्सिमम पोटेंशियल पे गाड़ी, बाकी भाई हॉर्न बजा देंगे। बट मेरे को इनिशियली लग रहा है वो CVT वैसे ना लॉन्च तो हो जाएगी कुछ कुछ। तो भाई देखो बिल्कुल साथ साथ चल रही है, जो हमारा इनिशियल अच्छा होता है उसका भी अच्छा है, बैटरी है क्योंकि उसमें। पर अब नहीं, अब अपनी जीत जाएगी। अब क्या बढ़ता जा रहा है 140 और भाई ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। पर ये इनिशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, उसका बैटरी के कारण लेजिट फर्क है। दोनों गाड़ियों में एक एक जने थे, बहुत फर्क है उसकी। और अभी वो जैसे ब्रेक हो रही है ना तो वो वापस रिचार्ज हो रही है भाई, उसके बैटरी बैक में जा रहा है सारा चार्ज। तो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस है वो, उसमें ADAS वगैरह भी आता है, बट भाई महंगी भी है। देखो जो बात है वो है, काफ़ी महंगी है वो। भाई से पूछ लेते हैं कुछ दिक्कत वगैरह ना रही हो। इनिशियल पुल बहुत अच्छा है उसका। हाँ जी इनिशियली बहुत अच्छी है। हाँ इनिशियली तो वो बैटरी का फर्क है। हाँ बहुत फर्क है। हाँ वो बैटरी के वजह से ले जाती है। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना साथ साथ चलती रहेगी क्योंकि मेरा इनिशियली स्ट्रॉन्ग है। अच्छा पर आपका भाई इलेक्ट्रिक का है, बहुत अच्छा है लिटरली। अब AC ऑन कर लेते हैं ठीक है। और मैं अभी सेम सेटिंग है वहाँ पे, मैं थोड़ा सा मोड चेंज कर लूँगा, ऐसे कर लेंगे ठीक है। चलो आप बता देना आप 3-2-1 करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो भाई सेम सेटिंग्स, अब AC ऑन कर लिया हमने भी और भैया ने भी ठीक है। रेडी 3-2-1। ये देखो भाई उसका इनिशियल देखो, हमारी AC में एक सेकंड के लिए दबी और उनकी नहीं दबी। और भाई 113 बाप रे, 113 पे निकली थी भाई।
पर अब गैप अपनी बनाती जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ मेरी 400 मीटर में 120 अराउंड कुछ पहुँचती है, एक दो सेकंड भी वो और आगे रहती तो वो ड्रैग जीत जाती, एसी से इतना फर्क आ जाता है। क्योंकि एक तो डीसीटी गर्म हो गया तो हमारा लॉन्च नहीं हो रहा प्रॉपर व्हील स्पिन वाला, नॉर्मल बस गाड़ी उठ रही है, अग्रेसिवली नहीं हो रही। पर भाई वो तो भाई बैटरी का कमाल है यार, जो इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, मतलब वो हमें पसंद नहीं है क्योंकि उसमें शोर नहीं है, मज़ा नहीं है, जो एंथुजियास्ट होगा उसको नहीं अच्छी लगेगी। बट ऑन द फ्लिप साइड परफॉर्मेंस वो दे रही है, बहुत जबरदस्त फर्क आया है इसी से। मैंने अब क्रॉस करा आपको 115 110 के अराउंड, हाँ मतलब अगर एक दो सेकंड और आप आगे रहते तो ड्रैग ही जीत जाते। हाँ क्योंकि इनिशियली आपकी बहुत बड़ी आउट ही, मेरी दब गई, फर्क आया, जबकि एक एक जने बैठे हैं। हाँ गरम हो गया, हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ट्राई करते हो भाई, राउंड वन तो आपने देख ही लिया था, राउंड टू में एसी ऑन करा था तो 110 पे क्रॉस करा है इसने, वो आगे लेके जा रही है। क्या बात कर रही है, होंडा सिटी दिख रही है भाई, खुशी देखो भाई की। चलो अब ऐसा करते हैं, हाँ जी टाल है, हाँ टाल कराएंगे, हाँ करेंगे, फेयर रेस होगी क्योंकि ठीक उनका कई बार रहता है कि नहीं सुना देता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जैसे ये ग्राउंड पे टच करेगा ना ठीक भाई। ऑन दी अदर हैंड हमें सिर्फ पेट्रोल चाहिए, थोड़ा सा गाड़ी आगे शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट कर लो। बिल्कुल हाँ लेफ्ट की तरफ कर लेता हूँ, पेट्रोल जाएगा, पता लगा बंदा उड़ गया। तो गाइस राउंड टू कर रहे हैं, फिर से कुछ नया तरीका लाए हैं भाई हमारे स्टार्ट कराने के लिए रेस। एसी ऑन, बिल्कुल चलो जी। ठीक है भाई, पर ये देखो उसका कितना स्ट्रॉन्ग पुल है, 70-75। मेरे से थोड़ी सी पहले लॉन्च हो गई थी क्योंकि टॉवल वाला हमने पहली बार ही करा है, पर मैंने रेस छोड़ दिया भाई। बट वही है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, वो लीनियरली उठती रहती है। तो भाई हर किसी ने ड्रैग तो करनी होती है, देखो साफ बात, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल वो है इस मामले में। और ऊपर से सिटी में इतनी बढ़िया एवरेज भाई का, तो भाई ओनरशिप रिव्यू बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को गाड़ी। पर यही है रिजल्ट्स तो देखो कि ड्रैग वगैरह में अपनी सेल्टॉस नहीं जाने देती, चाहे वो हाइब्रिड ही क्यों ना हो। मेरे से ना लॉन्च थोड़ी सी पहले हो गई थी, क्या मेरे से लॉन्च पहले हो गई थी क्योंकि वो टॉवल वाला पहली बारी करा ना, हाँ, हाँ। वरना रिजल्ट सेम रहते हैं, 100 पे ही पकड़ता मैं, अब की बारी पर 70 पे करा, हाँ। रोलिंग करते हैं, ड्रैग में फायदा नहीं लग रहा, ठीक है रोलिंग करते हैं। कितनी की स्पीड पे, 20 या 30 जो भी आपको, ठीक ठीक, दो तीन ऑन दो ऑन एक ऑन एक ऑन, ठीक है चलो डन। भाई क्रूज कर रहे हैं हम 30 पे, चलो जी हमारी सेकंड पे हो गई, कोई नहीं। ओ भाई ये देखो फर्क, क्योंकि हमारा टॉर कितना ज्यादा है, दिखने ही नहीं देगी। तो भाई वही है देखो, एवरेज वगैरह चाहिए तो हाइब्रिड एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, एक चीपर अल्टरनेटिव है डेली ड्राइव्स के लिए। बट परफॉर्मेंस चाहिए तो यू नीड द टर्बो, या फिर एनी इंजन हो तो वो किजाशी जैसा हो कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट का हो जिसकी वजह से पावर बहुत ज्यादा आ जाए। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और एंड करते हैं। तो गाइस सारे राउंड देख लिए आपने हमारे मॉन्स्टर जीटी वर्सेस होंडा सिटी हाइब्रिड के, एंड रोलिंग और ड्रैग की विनर भाई अपनी देखो सेल्टॉस ही है, बट बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है हाइब्रिड होने के कारण। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।